उत्तराखंड में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले 20 वर्षों से फरार घोड़ासन का गैंग लीडर राजू दास, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, उसको एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। एक प्रेस वार्ता में एसटीएफ के अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि इसका काम करने का तरीका पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर ये लोग गैंग बनाकर किसी भी बड़े शोरूम और दुकान को चादर डालकर जो है घटना को अंजाम देते थे। इसके गैंग में महिलाएं भी शामिल है, जो पहले से ही टारगेट की हुई शॉप के आगे जो है चादर डालकर उसका शटर तोड़कर चोरी किया करती थी। ज्यादातर चोरियां ये लोग मोबाइल के शोरूम से करते थे। और एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि इनका गैंग लीडर राजू दास ने जो है पहले भी रानीपुर मोड़ हरिद्वार के साथ साथ कई जगह पर इन घटनाओं को अंजाम दिया है। और ये आज भी जब हमने इसको कल पकड़ा है, वहां पर महाराष्ट्र में शिरडी जनपद में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गए हुए थे। इनके 7 लोग वहां पर मौजूद थे और जल्द ही किसी बड़ी घटना को उस करने की फिराक में थे। इसमें हमारी टीम के इनपुट पर इसको भी पकड़ा गया, साथ में इसके बाकी के जो टीम मेंबर्स थे, गैंग मेंबर्स थे, उनको शिरडी पुलिस ने गिरफ्तार किया।